मैं हूँ सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई में एक महिला के बुर्का ना पहनने पर उसकी हत्या कर दी गई। रूपाली की हत्या उसके पति इकबाल मोहम्मद शेख ने की है। जानकारी के मुताबिक 27 सितंबर मंगलवार को मुंबई के तिलक नगर इलाके की ये घटना है। रूपाली ने 3 साल पहले इकबाल से शादी की थी और उन दोनों का 2 साल का बच्चा भी है। अक्सर रूपाली को मुस्लिम तौर तरीके से रहने को कहा जाता था, लेकिन रूपाली इन सब बातों को मानने से इनकार कर देती थी। विवाद बढ़ने पर और बुर्का ना पहनने पर रूपाली ने इकबाल से तलाक की बात भी कह दी थी और उसके बाद इकबाल ने उसका कत्ल कर दिया। इस मामले पर बीजेपी नेता राम कदम ने रूपाली के लिए न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मुंबई की सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दिनांक 26/9/2022 को रात के 10:15 से 10 बजे के दरमियान इकबाल मोहम्मद शेख नाम के आदमी ने उसकी वाइफ का सूरा मार के गले पे और हाथ पे सूरा मार के खून कर दिया है। वजह क्या कुछ पता चल पाया? फैमिली के लोगों से बातचीत, उन्होंने किस तरह की जानकारी? जो आरोपी इकबाल शेख और जो मयत महिला है, इनका 3 साल पहले शादी हुआ था, उनको एक 2 साल का बच्चा भी है। कंप्लेनेंट में ऐसा बताया है कि आरोपी के घर वाले और ये आरोपी ये महिला को मुस्लिम जो रीति रिवाज है उस तरह से बर्ताव करने के लिए बोलते थे। कपड़े मुस्लिम रीति रिवाज के जो बुर्का है वो पहनने के लिए बोलते थे, लेकिन ये महिला वैसा नहीं कर रही थी। इस वजह से उनके घर में झगड़ा चल रहा था और कुछ महीनों से वो एक दूसरे से अलग रह रहे थे, लेकिन उनकी फोन पे बातचीत होती थी, उस समय भी झगड़ा होता था। 26 तारीख को दोनों में बातचीत हुई फोन पे, तभी महिला ने डिवोर्स मांगा उससे, तो वो जो आरोपी हस्बैंड आरोपी है उसने डिवोर्स देने से मना किया और उनके 2 साल का जो बच्चा है उसका ताबा मांगा। तब इन्होंने इनकार किया महिला ने, उसी वजह से गुस्से में आके उसने मर्डर किया है, ऐसा कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दिया है, उसकी हम अभी तहकीकात कर रहे हैं। देखो, रूपाली के साथ ये महाराष्ट्र की जो नई सरकार है, श्रीमान एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, वह सरकार रूपाली के परिवार के साथ पहाड़ की तरह खड़ी है। रूपाली को किसी भी हालात में न्याय मिलकर के रहेगा, उसके परिवार को न्याय मिलकर के रहेगा। सरकार बदले तो काम करने का तरीका कैसे बदलता है देखिए।